न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। उलेडी थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी संजय पार्क में तीन बाइक में आए बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग, दो व्यक्ति घायल। जमशेदपुर मानगो में उलेडी थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी संजय पार्क में गुरुवार को देर शाम बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर उमेश पांडे के घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के इस घटना में उमेश पांडे और गुड्डू पांडे घायल हुए, दोनों को गोली लगी है। घटनास्थल में कई खोखे बरामद हुए हैं। बदमाश बंदूक से गोली चला रहे थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उमेश पांडे ने बताया कि वह ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। उसका चिंटू सिंह, दिनेश कुमार, सुनील रजक, डेविड टोपो आदि से बताइए घटना है, क्या जानकारी मिली है? आज शाम करीब 8 बजे के आसपास ओलेडी थाना अंतर्गत संजय पथ जो सुभाष कॉलोनी में करीब तीन बाइक पे 6 अपराध कर्मियों द्वारा गुड्डू पांडे के घर पे गोली चलाई गई, जिसमें दो व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। और जो अपराध कर्मी, उनमें से 4 अपराध कर्मियों की अभी तक पहचान की जा चुकी है और उनकी छापामारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और अभी छापामारी की जा रही है। कारण क्या है फायरिंग का? ये आपसी रंजिश का मामला है, आपसी दुश्मनी के चलते इन दोनों में गोली चलाई गई। पहले ये दोनों ही जो ग्रुप, मतलब जिनकी पहचान हुई है और जिसपे गोली चली है, दोनों पहले अमरनाथ गिरोह से इनका संबंध रहा है। क्यों, कौन सा ग्रुप ग्रुप है लोग अमरनाथ गिरोह बताए ना, जो लोग चलाए हैं, नहीं जिसपे गोली चला है और आप जिनका पहचान हुआ है, दोनों का गिरोह से संबंध रहा।